भारतम महाभारतम गंगा नर्मद पुण्यतीर्थम नदीराष्ट्रस्य महाअमृतम भारतम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। अगर आप ठीक ढंग से थोड़ा सा इतिहास और थोड़ा सा भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा देश भारत एक अनोखा देश है। और कहते हैं ना कि भगवान का दिया सब कुछ है, तो हमारे पास कुदरत का दिया सब कुछ है। ऑलमोस्ट सारे लैंडफॉर्म्स हमारे देश के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, हमारे पास प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन एरियाज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, और हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ज्यादा रिवर्स भी हैं। तो कुदरत ने इतना सब हमको दिया है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते हमने इस धरती को इस काबिल बनाया है कि अगर हम कई सालों तक कुछ भी ना उगाएं तो देश के सारे लोग बैठकर खा सकते हैं, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं खुद खाने के साथ साथ। तो अगर ये सारी चीजें हम देखते हैं, हमने इतनी डेवलपमेंट की है, तो फिर भी अगर मैं आपको बोलूं, इतने ज्यादा धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद 15 सालों में या 20 सालों में यह नौबत आ सकती है कि आपको रोटी, चावल, फल, सब्जियां व दूध, इन बेसिक चीजों की कमी महसूस करनी पड़ सकती है, या ये चीजें बाहर से इंपोर्ट करने की नौबत आ सकती है, इतनी कमी पड़ सकती है। हम इतनी एक बड़ी गलती साइड बाय साइड कर रहे हैं। देखिए, आपको यह बात जानने के लिए कोई वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से ज्यादातर नदियों के किनारे ही क्यों पनपी। हाँ, ये कोई भी बता सकता है कि नदियां हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी जो नदियां हजारों सालों से हमारा पालन पोषण कर रही थी, उसे सिर्फ एक जनरेशन ने मार डाला, उन सारी नदियों को। देखिए, इन नदियों में सिर्फ पानी नहीं बहता। मैं आपको गंगा की बात बताता हूं, हमारे देश की जानी मानी नदी, कि गंगा का पानी एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज रखता था, जिसके कारण कई चर्म रोग सिर्फ रेगुलर नहाने मात्र से खत्म हो जाते थे, और हाई लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के कारण इसके अंदर सेल्फ प्योरिफिकेशन की क्वालिटी भी थी, जिसके चलते ये 10 किलोमीटर के अंदर गंदे पानी को प्योर बना देता था। किसी भी नदी का पानी ये कर सकता है अगर हाई लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन हो तो। तो यार, इनके अंदर सिर्फ पानी नहीं बह रहा, इनके अंदर हमारे देश का खून बह रहा है। जैसे आपके शरीर के अंदर खून इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे देश के लिए ये जो हमारे देश की नसें हैं ना, ये रिवर्स के रूप में आपको दिख रही हैं, ये सारी ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सारी दिखाई गई हैं, इसीलिए आपको इतनी ज्यादा लग रही हैं। तो ये हमारे देश की नसें हैं, और हमारे देश के जीवन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये इंडिया की मेजर रिवर्स हैं सारी। तो ये जो गंगा है, ये वर्ल्ड की 10 प्रमुख नदियों में आती है, और इसका अस्तित्व खतरे में है। ये जो गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, ये 20% तक सूख चुकी है, और कृष्णा और कावेरी की तो पूछो ही मत। ऐसी हालत है कि साल में 3-4 महीने ये समुद्र को ही नहीं छू पाती हैं। फिलहाल ये हालत है, इतनी मेजर रिवर्स समुद्र को नहीं छू पाती हैं, और इसी कारण कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो हमारा देश है उसका लगभग 25% हिस्सा एक रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। इतनी ज्यादा स्टडीज इसकी पुष्टि करती हैं। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले 15 से 20 सालों में ऑलमोस्ट सारी नदियां इंडिया की सीजनल बन जाएंगी, कि साल के कुछ महीने तो पानी होगा, कुछ महीने बहुत कम पानी होगा, और हो सकता है कुछ महीने बिल्कुल भी पानी ना हो, और ये एक आम बात बन जाएगी। और 2030 तक
हमें सर्वाइवल के लिए जितना पानी चाहिए, सर्वाइवल का मतलब है हमें बेसिक नीड्स के लिए जितना पानी चाहिए, उसका सिर्फ 50% पानी अवेलेबल होगा। हो सकता है आपको कभी कभी प्यासा भी रहना पड़े पानी की कमी के चलते, कभी कभी कपड़े ना धोएं, कभी कभी खाना कम बनाए। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर नदियां खत्म हुई तो जंगल खत्म होंगे, और जंगल खत्म हुए तो हमारा देश एक मानसून का देश है, तो कई सालों तक बाढ़ सूखा का एक विनाशकारी चक्कर चलेगा। जिस हद तक बचा जा सकेगा उस हद तक इंसान बचने की कोशिश करेगा, लेकिन इन चीजों से हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। ये चीजें पहले भी हुई हैं, तो इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए कि उस वक्त क्या होगा अगर ये फिलहाल की इमेजेस हैं। तो आपको एक कहानी बताता हूं मैं। ये कहा जाता है कि जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है और उसको लगता है कि अब तो बच पाना बिल्कुल ही मुश्किल है, असंभव है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो मैं भी बिल्ली को नहीं दिख रहा हूंगा, और क्या होता है, बिल्ली उस पर आक्रमण कर देती है और उसको मार देती है। लेकिन यार हम तो कबूतर नहीं है ना, हम तो इस प्लानेट की मोस्ट इवोल्व्ड स्पीसीज हैं, सबसे ज्यादा इवोल्व्ड स्पीसीज हम हैं। तो यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम रिस्पोंड करेंगे कि नहीं, डेफिनेटली हम रिस्पोंड करेंगे, और ऊपर से इसका सॉल्यूशन भी है, और इस सॉल्यूशन में आप और मैं दोनों भागीदारी दे सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने रैली फॉर रिवर्स अभियान चलाया है जो 16 राज्यों को कवर करेगा। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को सरकार के सामने एक पॉलिसी बनाने का प्रपोजल रखा जाएगा कि हमारे देश में जितनी भी मेजर रिवर्स हैं उनके दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक पेड़ लगाए जाएं, ताकि जिसके कारण बारिश ज्यादा हो और जो पेड़ धरती को छेदादार बनाएंगे उससे बारिश का पानी धरती में जाएगा, उससे एक तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा और नदियों का जो पानी है वो भी बढ़ेगा, और ये पूरे साल फ्लो करेंगी। और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा, आपको एक मिस्ड कॉल देनी है इस नंबर के ऊपर 8000098000। मैंने तो अपने परिवार के सारे नंबरों से मिस कॉल दे दी है। और एक और छोटा सा काम आप कर सकते हो कि जो बात आप तक पहुंची है यही बात आगे अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि वो भी इस काम को करें और हमारे देश के लिए कुछ भला हो सके। और एडिशनली कुछ और काम अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने स्कूल में इंस्टीट्यूट में अपने फ्रेंड्स को, टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स को, अगर यूट्यूबर हो तो एक वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर्स को ये मैसेज बता सकते हो कि वो सब इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ले सकते हैं। तो ये एडिशनल है, जितना भी हो सकता है आप कर सकते हो, आप समझदार हैं, लेकिन ये 5 मिनट अपने देश के लिए आप जरूर देना। एक मिस्ड कॉल कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारतम महाभारतम गंगा नर्मद पुण्यतीर्थम नदीराष्ट्रस्य महाअमृतम भारत।